प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रांसिस्को रेडी के बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उनका एक एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूँ जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था कि एक जीव से ही दूसरा जीव पैदा होता है। एवरी क्रिएचर कम्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। उन्होंने एक जो थ्योरी चली आ रही थी हाइपोथेमस ऑफ स्पॉन्टेनस, उसको उन्होंने गलत सिद्ध किया अपने एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने ये बताया कि अगर हम तीन बीकर लेते हैं, तीनों बीकर में हम पीस ऑफ मीट लेते हैं, मांस का टुकड़ा डालते हैं। मांस का टुकड़ा डालने के बाद हम पहले बीकर को ऐसे ही रहने देते हैं, इसका मुंह खुला हुआ देख रहे हैं। दूसरे बीकर में हमने क्या किया, इसके मुंह पर हमने कॉर्क लगा दिया। तीसरा जो बीकर है, इसके मुंह पर हमने मसलिन क्लॉथ यानी जो मलमल का जो कपड़ा होता है उसको हमने बांध दिया। हमने इसको रखा रहने दिया। फ्रांसिस्को रेडी बताते हैं कि कुछ दिनों में जो पहला बीकर था इसमें जो मांस का टुकड़ा था, इस मांस के टुकड़े में जो फ्लाइज थी, जो भी कुछ थे, वो सब इसके अंदर इंसेक्ट्स वगैरह आ गए, क्योंकि इसका मुंह खुला हुआ था तो इस मीट की जो स्मेल थी, गंध थी, उसकी वजह से ये फ्लाइज अट्रैक्ट हुई और इसमें आ गई और इन्होंने अपने एग्स यहां पर दे दिए और इन एग्स से लार्वा वगैरह बन गए। लेकिन हमने देखा कि जो दूसरा जो बीकर है, इसका जो मुंह था वो कॉर्क से बंधा हुआ था, एग था, तो इसमें फ्लाइज अंदर नहीं जा पाई और इसमें कोई एग नहीं दिया गया, कोई लार्वा इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं हुआ। तीसरा जो बीकर था, फ्रांसिस्को रेडी कहते हैं कि तीसरे बीकर में मसलिन क्लॉथ बंधा हुआ था तो मीट की जो स्मेल थी वो बाहर गई, उससे अट्रैक्ट होकर फ्लाइज यहां पर आई, लेकिन वो फ्लाइज अंदर नहीं जा पाई कपड़ा बंधा होने की वजह से, और उन्होंने अपने एग्स ऊपर मसलिन क्लॉथ पर ही दे दिए। फ्रांसिस्को रेडी कहते हैं कि अगर स्पॉन्टेनस वाला जो थ्योरी है वो सही है, जो कि अरस्तू ने दी थी, तो उसके अनुसार ये था कि अपने आप हर जीव पैदा हुआ है, हर प्राणी अपने आप पैदा हुआ है, जैसे कि पेड़ की जो लीव्स है उनसे बर्ड्स पैदा हो गई, मीट से जो फ्लाइज थी वो पैदा हो गई, जो भी दलदल होता है, मार्श होता है, उससे अपने आप मेंढक फ्रॉक्स पैदा हो गए, तो वो जो थ्योरी थी वो गलत है, क्योंकि अगर अपने आप पैदा होते हैं तो फिर ये जो मीट है, पीस ऑफ मीट, इसके अंदर एग्स क्यों नहीं आए, इसमें फ्लाइज क्यों नहीं पैदा हुई, लार्वा क्यों पैदा नहीं हुआ, इसी में क्यों पैदा हुआ, उसका रीजन फ्रांसिस्को रेडी ने बताया कि इसका मुंह खुला हुआ था तो बड़े आराम से फ्लाइज जो थी वो अंदर जा पाई और अंदर जाकर उन्होंने रिप्रोडक्शन किया, अपने एग्स दिए, लार्वा हुए उनसे और उनसे नई फ्लाइज बनी। मीन्स एवरी न्यू क्रेचर जो है वो बना है अपने पुराने जो क्रेचर से उनसे, यानी कि जो नई ऑफस्प्रिंग है कम्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर इसके अंदर फ्लाइज नहीं जा पाई तो ना एग्स इसमें आए ना इनमें लार्वा पैदा हुआ। तो यहाँ पर जो स्पॉन्टेनस की जो थ्योरी थी, वो जो स्पॉन्टेनस थ्योरी थी जो अरस्तू ने दी थी, वो गलत सिद्ध हुई और फ्रांसिस्को रेड्डी ने बताया कि एक जीव से ही दूसरा जीव पैदा होता है। एवरी ऑफ स्प्रिंग कम्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स।